pretty much. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो मैं आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो आपको पता ही होगा, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने अपना जो नया सफ़र है, नई जर्नी है, वो स्टार्ट कर दी थी लेह लद्दाख के लिए। बट रोड ब्लॉक होने की वजह से अभी हम गगन गेयर में ही रुके हैं, क्योंकि कल से यहाँ पर खड़े हैं। अभी बोल रहे थे, कल बोल रहे थे कि 3 दिन के बाद ही रास्ता खुल जाएगा। तो अभी यहीं पर अभी अपनी गाड़ी के साथ ही व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ वाली गाड़ी भी यहीं पर। और गगन गेयर से बहुत प्यार मिला, सोचा नहीं था इतना रेस्पेक्ट मिलेगा, इतने सारे लोग मिलने आएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एक आम इंसान को इतना खास बनाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैंने सोचा, वैसे तो हम 2-3 दिन यहाँ पे रुके ही है, चलो फिलहाल गांधरबल घूम के आते हैं, क्योंकि गांधरबल यहाँ से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। अभी मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला कि गांधरबल मैं जा रहा हूँ, कमरिया पार्क, वहाँ पे कोई अच्छी जगह है वहाँ पे जाऊँ, ताकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, फिर कभी टाइम नहीं मिल रहा है ना, कि यार अपने वायु से अपने लिए कभी टाइम नहीं ना मिलता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। वैसे तो आज आई है और उसी के साथ रोड भी बंद है, तो चलो फिलहाल वहीं से घूम के आते हैं, एंजॉय करके आदमी सबके साथ भी मिल के आते हैं। ओके, तो ये रही हमारी गाड़ी, देखो हमने कहाँ पर साइड करके रखी है, बिल्कुल नीचे ही रखी, क्योंकि हमने सोचा अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ जितना ऊपर हम जाएंगे उतना हमें ठंड देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये रही गाड़ी, अपना शहन से रहा, और हमारी और एक साथ वाली गाड़ी वो वहाँ पे है। तो यार प्यार देखो बानहल से, आई लव बानहल, दिल से बानहल को प्यार करता हूँ, जेके 19 से 13 11। तो अभी सुबह सुबह भाई एक आया, बोला सेठी भाई ये रही गाड़ी, आपको जहाँ भी जाना है, जो करना है, आप जाओ, चाबी इधर छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, बोला आप जाओ करो, एंजॉय घूमो, यहाँ बैठ के आप बोर हो जाओगे। ओके, फिलहाल भाई की गाड़ी में चलते हैं ना। ओके, चले। अभी ना यार बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैंने 11 बजे का टाइम दिया था, अभी मानो 11:40 हो गया, क्या ही बोले, वो जो पुल बन रहा था उसकी वजह से थोड़ा जाम लगा था, इसलिए इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुंचने वाले हैं, चलते हैं। फिलहाल हम पहुंचते हैं कमरिया पार्क, देखते हैं कितना प्यार मिलेगा गांधरबल से, कौन कौन आज हमारे कैमरा में कैच होगा। लोकेशन चेक करो गाइस, सीन देखो कितना अच्छा है, और मौसम देखो कितना प्यारा है। तो अपना व्लॉग कंटिन्यू जा रहा है, गांधरबल के लोगों को, गांधरबल के लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और स्पेशली यासिर भाई को, जिसने अंदर कॉलेज में मतलब उन सब भाइयों से मिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब बस टाइम आ गया, दिन के 2 निकलने की तैयारी है, तो अब बस हम सोच रहे हैं अब हम यहाँ से वापस जाएंगे गाड़ी के पास, वहाँ पे खाना खा के, तो सोच रहे थे सोनामार्ग जाने का, क्योंकि आपको पता ही होगा सोनामार्ग में कानवाई बंद है, मतलब सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ तो वहीं पर है। वहाँ पर ना बहुत सारे भाई फ़ोन कर रहे हैं, यार जेके भाई आप आ जाओ इधर, आपको पता ही होगा, मतलब मुझे वहाँ तक नहीं छोड़ा, वरना तो मैं उन सब के साथ मिल सकता अच्छे से आराम से। तो मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम मिला तो अब यहाँ से सोनामार्ग जाएगी कांटे पे, जहाँ पे सारी गाड़ी सारे ड्राइवर भाई मिल सकेंगे। यार शौक होता है आज तो इस साइड में लगे तो, वरना तो आपको पता ही होगा टाइम नहीं मिलता है। ओके, फिलहाल आप यहाँ से नज़ारा चेक करो, सीन देखो गाइज क्या है, पानी देखो कितना मस्त है, नज़र आ रहा है यहाँ से। और वो अपनी गाड़ी वहाँ पर, अब बस इन भाइयों को इजाज़त ले कर निकल जाएंगे वापस अपनी गाड़ी के पास। ओके, इस भाई ने भी काफ़ी हेल्प किया। ओके भाई निकलते हैं, हाँ
थैंक यू सो मच भाई इतना हेल्प करने के लिए। भाई चले, ये दो तीन भाई मेरे साथ आए रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक। अब मैं यहाँ से जाऊँगा खुद और इनको बाय बाय करते। ओके चलते। हाँ भाई, ओके भाई, ओके ओके हो। ऑटोग्राफ देते देते इसकी कॉपी खत्म हो गई। ठीक है, इस पे देखो क्या लिखा है, बस यही दो पेज बच गए, बाकी जो है ना पूरा खत्म हो गया। अब ये भी काटे काटो काटो, ये चलेगा, इसके इधर तो चलेगा मेरे, चलो एस चाहिएगा, एस चाहिएगा। गए अपनी गाड़ी के पास वापस, जो कि गगनगेर में खड़ी है। तो अब मैं सोच रहा था सोनामर्ग जाने का, क्योंकि आपको पता ही होगा वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रक जो है ना वो खड़ी है, क्योंकि एक दो दिन से मतलब वहाँ से कार्रवाई नहीं छोड़ी है। और ऑलरेडी सुनने में ये जा रहा है, जो कि मैंने आपको कल से बोला कि 3 दिन के लिए रास्ता बंद है। तो अब वहाँ पे जो ड्राइवर भाई है वो फ़ोन कर रहे और बहुत सारे मैसेज आ रहे, बहुत कमेंट्स आ रहे कि बोल रहे सेठी भाई हमें आपसे मिलना है, तो आज मतलब साल में एक बार आते हो इस साइड, तो आप प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर आना। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब हम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम है 5 बजे का, मैंने टाइमिंग दिया, अभी फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किया है कि मतलब 5 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। थोड़ा जिसको नसीब में होगा तो मिल के आएंगे उन सब भाइयों से, क्योंकि वो तो इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का तो ही प्यार है। हाँ, बस इसीलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे अपने ड्राइवर भाई है, जो कि मतलब इतनी सारी मुझे लग रहा है हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होगी, जो कि लद्दाख जाने के लिए रेडी है। ओके चले, फिलहाल हम जल्दी से जल्दी वहाँ से घूम के आते हैं, फिर उसके बाद अपना काम भी है, अपना वीडियो वगैरह एडिट करना है। तो मैं सोच रहा तब तक हम वहीं से घूम के आए। रेडी बस मोटा भाई, मैं ला गलत रहता था जी।